हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पेप्सी का लोगो किस तरीके से बनाया जाता है। चलो सबसे पहले ये लोगो बनाने के लिए इसको पहले डिलीट करेंगे, जस्ट डिलीट इट एंड देन आप नया पेज भी ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं अगर एक सर्कल लेता हूँ, लाइक एल करके एक सर्कल लेता हूँ डायरेक्टली। अब इस सर्कल को आपको क्या करना होगा, फिल कलर हटाना होगा और आउटर बॉर्डर कौन सा लेना होगा, ब्लैक, राइट। अब इसको क्लिक करते हुए मैं इसकी अल्ट प्रेस करके साइड में लेता हूँ, शिफ्ट और अल्ट दबा के साइज बड़ी कर लेता हूँ, ओके। एंड दोनों को सिलेक्ट करते हुए वर्टिकुलर सेंटर एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना ये होगा कि एक रेक्टेंगुलर लेना होगा जो कि यहाँ से आता हुआ इस पॉइंट तक और यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक सिलेक्ट। एंड देन इन सब को सिलेक्ट करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे सेप बिल्डर, जो कि सेप बिल्डर से हम लोग यहाँ पे सेप बना देंगे कुछ इस तरीके का और बाकी सब डिलीट कर देंगे, ओके। अब देखिए इसको चाहे तो आप एक कलर लगा सकते हो, लाइक मैं रेड लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन आउटर बॉर्डर जो है वो नन कर देता हूँ यहाँ पे। लेकिन जो ये जो हम लोग ने एक सर्कल बनाया है उसको क्या करेंगे, पेन टूल से हम लोग एक पॉइंट यहाँ क्लिक करते हुए कीबोर्ड पे शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हो इसको आगे लेने के लिए, और यहाँ से हम लोग बटन होल्ड करके क्या कर देंगे, थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे यहाँ तक, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आते हुए ऊपर स्मूथ कर लेंगे कुछ इस तरीके का, ओके। अब चाहे तो इसके अंदर का ये फील कलर आप हटा भी सकते हो, उसके लिए जस्ट सिलेक्ट करना होगा और ये फील कलर हटा देना है आपको और आउटर कलर ब्लैक रखना है, ठीक है। अब यहाँ से ये तो कर्व लाइन हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है, इसी लाइन पे लाइन को कीबोर्ड से अल्ट दबाते हुए इसको कॉपी कर लेना है नीचे, ठीक है। और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करते हुए सिर्फ लाइन को ग्रुप करना है, और लाइन और सर्कल को दोनों को सिलेक्ट करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर एंड वर्टिकल सेंटर। अब इन सबको सिलेक्ट करते हुए हमें कहाँ जाना है, सेप बिल्डर में, एंड देन ये सेप बनाना है और ये सेप बनाना है, बाकी सब हम लोग डिलीट कर देंगे, डिलीट इट हो गया। अब ये अप साइड का है जो हमें कौन से कलर में प्रीव्यू हो रहा है यहाँ पे, रेड कलर, और आउटर बॉर्डर जो है इसका नन कर देंगे। एंड देन डाउन साइड का ब्लू कलर एंड आउटर बॉर्डर जो है वो नन कर देंगे, कुछ इस तरीके का हम लोग ने पेप्सी का एक लोगो बना दिया। लेकिन ध्यान रहे कि इसको आपको ग्रुप करना होगा, ग्रुप, और इसको आप चाहे तो वैसा सेटिंग कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर आप हमें पेप्सी टाइप करना है तो टेक्स्ट पे जाते हुए मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे पेप्सी, क्लिक करते हुए हमें फॉन्ट रखना है एरियल और बोल्ड विथ इटैलिक, इसकी साइज आपको चाहिए उतनी आप ले सकते हो, और ये बन चुका है हमारा लोगो। अब इसका जो कलर है जो ब्लू में दिया जाएगा, तो ये कंप्लीट लोगो हमारा बन चुका है। इसी तरह तरीके से ही आप आगे के लोगो बनाते जाइए, आप इस सॉफ्टवेयर में स्ट्रांगली नॉलेज लेते चले जाएंगे, ओके। थैंक यू।